नमस्कार, आप देख रहे हैं एमजी न्यूज। आपके साथ मैं नीला। शहर और आसपास की खबरों को लेकर हम हाजिर हैं। शुरू करेंगे प्रमुख खबरों से। राज्य में एक बार फिर गरमा रहा है पत्थलगड़ी का मामला। इसका विरोध करने वाले 7 लोगों की हुई है हत्या। राज्य के पूर्व मंत्री अमर बाउरी ने झमुमो सरकार पर साधा निशाना। बिष्टपुर थाना क्षेत्र में हुई भीषण सड़क दुर्घटना, एक दंपत्ति हुए घायल। घटनास्थल पर पति की हुई मौत, ट्रक चालक है फरार। देश बचाओ संविधान बचाओ के तत्वाधान में आगामी 25 जनवरी को CAA और NRC के खिलाफ आयोजित होगा जन सम्मेलन। बैठक में लिया गया निर्णय। अब खबरें विस्तार से। झारखंड के पूर्व मंत्री और चंदन क्यारी के भाजपा विधायक अमर कुमार बाउरी आज जमशेदपुर पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका गर्मजोशी से स्वागत किया। इस दौरान अमर बाउरी ने सर्किट हाउस में मीडिया कर्मियों से बात करते हुए चाईबासा के गुदड़ी में हुए 7 पत्थलगड़ी विरोधियों के हत्याकांड की तीखी भर्त्सना करते हुए सरकार को आड़े हाथों लिया। उन्होंने कहा कि राज्य में वर्तमान सरकार अभी पूर्ण स्वरूप में आई भी नहीं है और अभी से ही इस तरह की घटनाएं शुरू हो गई है। उन्होंने बताया कि लोकतंत्र में सभी को अपनी बात रखने का अधिकार है, लेकिन अगर इस तरह की घटनाएं होती है तो निश्चित तौर पर सरकार और प्रशासन पर सवाल उठाए जा सकते हैं। इस दौरान जमशेदपुर महानगर भाजपा अध्यक्ष दिनेश कुमार और भाजपा नेता रमेश हांसदा भी मौजूद रहे। कहना है कि जो घटना घटी है, ये घटना कहीं से भी जो है ना, इस पे हम लोग बर्दाश्त नहीं कर सकते हैं। कम से कम अगर कोई यदि अपनी बात को रखता है लोकतांत्रिक व्यवस्था में, तो मैं वही प्रश्न पूछ रहा हूँ, क्या इस सरकार में लोग अपने बातों को रखने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं, लोग अपने विचारों को रखने के लिए स्वतंत्र है कि नहीं? अगर वो अपने स्वतंत्र विचार रखते हैं तो क्या उनको ये सरकार उनकी सुरक्षा की गारंटी लेंगे कि इस गुदड़ी के घटना के तहत उनका भी सरेआम नरसंहार कर दिया जाएगा? यह प्रश्न अभी सबके सामने खड़ा हुआ है। एक जो भय पैदा करने का, एक जो माहौल को खराब करने का जो एक यह पहला कदम है, मुझे लगता है कि यह एक महीने में कैबिनेट और सरकार तो पूरा अपने पूरे आकृति में तो नहीं आई, लेकिन इसका परिणाम या दुष्परिणाम जो भी है वो भी एक महीने के अंदर यहाँ प्रारंभ हो गया। सड़क सुरक्षा को लेकर चलाए जा रहे अभियान का जमशेदपुर में कोई असर नहीं दिख रहा है, जहां आए दिन सड़क दुर्घटनाओं में लोगों की जाने जा रही है। ताजा मामला बिष्टपुर थाना क्षेत्र का है, जहां XLRI के समीप तेज रफ्तार अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से एक दंपत्ति बुरी तरह घायल हो गए। हालांकि इस सड़क दुर्घटना में मोटरसाइकिल सवार गमरिया निवासी श्याम शंकर लाल दास की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि उनकी पत्नी बुरी तरह घायल है, जिन्हें इलाज के लिए टाटा मुख्य अस्पताल में भर्ती करवाया गया है। घटना के बाद इलाके में सनसनी सी फैल गई। बताया जाता है कि शहर के प्रतिष्ठित समाज सेवी पूर्व भाजपा नेता अमरप्रीत संघ काले के बेटे ने तत्परता दिखाते हुए दोनों घायलों को टाटा मुख्य अस्पताल पहुंचाया, लेकिन घायल श्याम शंकर लाल दास को नहीं बचाया जा सका। उधर पुलिस ने ट्रक को जब्त कर लिया है और सह चालक को हिरासत में लिया है, लेकिन चालक फरार है। बताया जा रहा है कि दोनों दंपत्ति दांत की जांच करवाने अवध डेंटल कॉलेज जा रहे थे। कर के पास मेरे चाचा जी और चाची, चाचा का नाम श्याम शंकर लाल दास और अपने वाइफ के साथ अवध डेंटल कॉलेज के पास जा रहे थे दांत दिखाने के लिए। तो उसी क्रम में XLRI के पास एक ट्रक वाला आ करके पीछे से धक्का मारा। धक्का मारने के बाद चाची तो फेंका गई, लेकिन चाचा का जो सर पर से ट्रक का चक्का चहर करके चला गया और वहीं पर वो स्पॉट हो गए। चाचा जी रहने वाले हैं सहरसा के, ऐसे यहाँ गमरिया में रहते हैं, उनका गांव सहरसा पड़ता है। सबसे बड़ा बात है कि अमरप्रीत सिंह जी काले का बेटा वहाँ से जा रहा था, उन्होंने अपना मानवता दिखाते हुए
उन्होंने चाचा जी को अपने कार में लेकर तुरंत TMH लेके आए। उनका कृपा था कि उनको लेकर तुरंत TMH आए, और लेकिन तब तक वो मृत घोषित हो चुके थे। गाड़ी वाला तो पकड़ाया नहीं है, गाड़ी पकड़ा गया है, चालक भाग चुका है, लेकिन उसका जो खलासी है वो यहीं पर अभी पड़ा हुआ अंदर में। अब उनका शादी, बेटी की शादी कैसे होगा, उनका घर कैसे चलेगा, तो हमें मुआवजा, ऐसा मुआवजा नहीं, हमें तो बेटी की शादी करना है, हमें उसके लिए अब क्या करना है कि घर चल पाए। जमशेदपुर में आगामी 25 जनवरी को देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के तहत जन सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जिसमें CAA, NRC और NPR का विरोध दर्ज करते हुए आगामी दिनों की रणनीति तय की जाएगी। जमशेदपुर में CAA, NRC और NPR को लेकर विरोध लगातार जारी है। इधर संविधान बचाओ देश बचाओ संगठन अब इस मामले पर आर पार की लड़ाई लड़ने का मन बना चुकी है। संगठन के सदस्यों ने एक बैठक कर आगामी 25 जनवरी को इसको लेकर विशाल सभा बुलाने का फैसला किया है, जो सीताराम डेरा में होगा। आयोजकों का दावा है कि इस सभा में 500 से अधिक बुद्धिजीवी को बुलाया जाएगा, जो इस मुद्दे पर अपनी राय देंगे। फिलहाल जमशेदपुर में NRC और CA का विरोध लगातार जारी है। पच्चीस एक को सुबह 10:30 बजे से संध्या 3 बजे तक आदिवासी एसोसिएशन हॉल सीताराम डेरा में देश बचाओ संविधान बचाओ अभियान के द्वारा एक सम्मेलन किया जा रहा है, जिसमें लगभग 400 से 500 डेलीगेट शामिल होंगे और पूरे कोल्हान से प्रभुत्व लोग इसमें सम्मेलन में पार्टिसिपेट करने जा रहे हैं, और इसमें कई इम्पोर्टेंट प्रस्ताव हम लोग पारित करेंगे, जिनकी जानकारी आपको 25 तारीख को दी जाएगी। लेकिन मुख्य उद्देश्य इस सम्मेलन का है कि CA और NCR, NPR को हम इस देश के अंदर लागू नहीं करने देंगे। हाल ही में संपन्न हुए झारखंड विधानसभा चुनाव में महागठबंधन को मिले प्रचंड जीत के बाद गुटों में बटे कांग्रेसी कार्यकर्ता अब एक मंच पर नजर आए। जमशेदपुर के बिष्टपुर स्थित कांग्रेस भवन तिलक पुस्तकालय में जमशेदपुर पश्चिम के कांग्रेसी विधायक बन्ना गुप्ता का पहली बार स्वागत समारोह का आयोजन किया गया। वैसे चुनाव जीतने के बाद लगातार बन्ना गुप्ता का सम्मान जमशेदपुर पश्चिम में किया जा रहा है। वहीं कांग्रेसियों द्वारा सम्मान समारोह नहीं किए जाने पर क्षेत्र में चर्चा का विषय बना हुआ था। ऐसे में आज कांग्रेस भवन में कांग्रेसियों द्वारा सम्मानित किए जाने पर सारे कयासों पर विराम लग गई है। इस दौरान विधायक बन्ना गुप्ता ने पूर्व की सरकार को जमकर खरी खोटी सुनाई, साथ ही वर्तमान हेमंत सरकार का पूरा साथ देने और कांग्रेस के मैनिफेस्टो के आधार पर सरकार के साथ समन्वय बनाकर चलने की बातें कही। उन्होंने समाज के अंतिम पायदान पर बैठे लोगों तक विकास योजनाओं को पहुंचाने का भरोसा दिलाया। तो हम लोग जो है झारखंड की उन्नति समृद्धि के लिए काम करेंगे। हमारे आदरणीय मुख्यमंत्री जी हेमंत सोरेन जी ने कहा कि हम फाजिल टाइप का इंफ्रास्ट्रक्चर के केवल चकाचौंध और अंधी दौड़ में नहीं जाना चाहते, बल्कि हम लोगों के चेहरे पर मुस्कुराहट लाना चाहते हैं। तो मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा जो ये साझा सरकार है ये झारखंड के जनता के आशा विश्वास के अनुरूप काम करेगी, और कांग्रेस के सभी समर्पित साथी बहुत मजबूती और मुस्तैदी के साथ एक एक जनता के बीच में जाएंगे, और यही संदेश देने के लिए, यही आदेश देने के लिए हमारे जिला अध्यक्ष जी ने, हमारे कार्यकारी अध्यक्ष जी ने, बड़े भाई बेदी जी ने हमको यहाँ बुलाया था कि लोकतंत्र जो है, जो पूर्ववर्ती सरकार ने नेता का नेता के लिए नेता के द्वारा कर रखा था, उसको हमको तब्दील करके जनता का जनता के लिए जनता के द्वारा सरकार करना है। इसके लिए जन आकांक्षा की पूर्ति के लिए ये फूल के जो आशीर्वाद थे उसके साथ एक कड़ा दिशा निर्देश भी है, जिसको हम लोग सत सत पालन करेंगे और सभी कांग्रेसजन एक एक जनता के हित की रक्षा करेगा। जिला परिवहन विभाग की ओर से अवैध रूप से वाहन चला रहे युवकों के खिलाफ आज से वृहत अभियान की शुरुआत कर दी गई है। परिवहन विभाग के सहायक सचिव ने आज खुद शहर की सड़कों पर
औचक छापेमारी कर टीनेजर्स युवकों के खिलाफ अभियान चलाया। इन्होंने विभाग के अधिकारियों को सख्त जुर्माना वसूलने का फरमान सुनाया। सहायक सचिव ब्रजेंद्र हेमरम ने साफ कर दिया है कि अब जिला परिवहन विभाग वैसे युवकों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने जा रही है जो पर्याप्त कागजात और हेलमेट के बगैर गाड़ी चलाते पकड़े जाएंगे। उन्होंने बताया कि विभाग अब वैसे पेट्रोल पंपों के खिलाफ भी अभियान चलाएगी जो बगैर हेलमेट के वाहन चालक को पेट्रोल देते हैं। उन्होंने बताया कि लगातार बढ़ रही सड़क दुर्घटनाओं को देखते हुए कड़ा कदम उठाना जरूरी है। सुप्रीम कोर्ट के गाइडेंस पर कमेटी बना हुआ है जो सड़क सुरक्षा का मॉनिटरिंग करता है। प्रत्येक राज्य को दिशा निर्देश जारी है। झारखंड राज्य ने इस क्रम में अपना कार्रवाई प्रारंभ कर दिया है। हम लोगों ने सारे गाइडलाइंस इशू किया हुआ है कि किस वे में पूरे राज्य में इस ट्रैफिक सिस्टम को दुरुस्त करना है। सड़क सुरक्षा के मद्देनज़र हमारे बच्चे 35% जिनका डेथ हो रहा है उनको कैसे हम लोग रोकेंगे, ये हमारी प्राथमिकता है। सभी घर के बच्चे बिना हेलमेट के गाड़ी चला रहे हैं, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के गाड़ी चला रहे हैं, गाड़ी का फिटनेस नहीं है तो गाड़ी चला रहे हैं। अभी सभी पेट्रोल पंप में भी छापामारी होगा कि बिना हेलमेट का वो पेट्रोल कैसे दे रहे हैं या डीजल कैसे दे रहे हैं, यही हमारी प्राथमिकता। जो अभी नए मोटर व्हीकल एक्ट के तहत जो प्रोविजंस किया गया है, हेलमेट के लिए अलग उनका पनिशमेंट है, बिना ड्राइविंग लाइसेंस के लिए अलग है, फिटनेस के बिना गाड़ी चला रहे हैं उसके लिए अलग है, ओवर राइडिंग कर रहा है उसके लिए अलग है, ट्रिपल राइडिंग कर रहा है उसके लिए अलग है, ड्रंक एंड ड्राइव में तो 10,000 से 15,000 का ही है। जमशेदपुर की सामाजिक संस्था माई कंट्री इज माई फैमिली के अध्यक्ष ने दिल्ली पहुंचकर देश के प्रधानमंत्री को एक मांग पत्र सौंपा है जिसमें उन्होंने देश के सभी विधायक और सांसद के परिवार का इलाज सरकारी अस्पतालों में करवाए जाने की मांग रखी है। संस्था के अध्यक्ष बताते हैं कि लगातार देश के विभिन्न हिस्सों के सरकारी अस्पतालों में इलाज के अभाव में बच्चों की मौत हो रही है। सरकारी अस्पताल के उदासीनता के कारण ही ऐसा हो रहा है जो गंभीर विषय है। इन्होंने कहा कि हर क्षेत्र का विधायक और सांसद अगर अपने क्षेत्र के अस्पतालों में ध्यान दे तो यह स्थिति बदल जाएगी और लोगों को बेहतर चिकित्सा सुविधा मिलनी शुरू हो जाएगी। इन्होंने देश के प्रधानमंत्री से मांग की है कि संसद में ऐसे विधेयक पारित करें जिससे ये सुनिश्चित हो सके कि देश के सभी विधायक एवं सांसद के परिजनों का इलाज सरकारी अस्पताल में निश्चित तौर पर हो और उनका बाहर इलाज ना हो सके, तभी जाकर ये व्यवस्था सुधर सकती है। और जितने भी देश के सांसद हैं, विधायक हैं, मांग कर तो सौंपा हूँ माई कंट्रीज माई फैमिली की तरफ से। आप लगातार देख रहे हैं पूरे हिंदुस्तान में बच्चों की मौत हो रही है। कल हमारे जमशेदपुर झारखंड में भी एक बच्चे की मौत हो गई सही इलाज नहीं मिल पाने के वजह से, आयुष्मान कार्ड होने के बावजूद। तो हम भारत सरकार से यही मांग कर रहे हैं कि संसद में एक प्रस्ताव लाया जाए और जितने भी देश के सांसद हैं, विधायक हैं, जिला के प्रतिनिधि हैं, जो जनता की सेवा के लिए हैं, सेवक हैं, उनका इलाज सरकारी हॉस्पिटल में अनिवार्य कर दिया जाए ताकि जब उनके और उनके परिवार के जान का खतरा होगा तो ऑटोमेटिक देश की सरकारी हॉस्पिटल सुधर जाएगी और किसी भी परिवार को अपने बच्चे की जान नहीं खोना पड़ेगा। मुझे उम्मीद है कि भारत सरकार हमारी इस मांग को सुनेगी। कोल्हान का सबसे बड़ा सरकारी अस्पताल MGM अस्पताल है। वैसे यह अस्पताल आए दिन विवादों में रहता है। ताजा मामला अस्पताल की सुरक्षा की जिम्मेवारी संभालने वाले होमगार्ड जवानों का है, जहां पिछले 6 महीने से वेतन नहीं मिलने से नाराज जवानों ने आज जिला मुख्यालय पर जोरदार प्रदर्शन किया। इन्होंने साफ कर दिया है कि अगर जल्द ही इनका बकाया वेतन इन्हें नहीं दिया जाता तो आगे वे अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले जाएंगे। इस दौरान इन्होंने राज्य के मुख्यमंत्री के नाम एक ज्ञापन भी जिले के उपायुक्त को सौंपा। इन्होंने बताया कि अस्पताल की सुरक्षा के लिए 47 जवानों का पूर्व में पदस्थापना था मगर आज घटा दिया गया है। बावजूद इससे जो जवान तैनात हैं उन्हें विगत 6 महीने से वेतन नहीं मिल रहा है जिससे जवानों की माली स्थिति खराब हो चुकी है। इन्होंने साफ कर दिया है कि जल्द ही अगर बकाया वेतन का भुगतान नहीं किया जाता है तो आगे उग्र आंदोलन किया जाएगा।
जमशेदपुर छात्र संघ ने बीएड एवं पीजी के छात्राओं को स्कॉलरशिप दिए जाने की मांग को लेकर उपायुक्त कार्यालय में जोरदार प्रदर्शन किया। साथ ही कल्याण विभाग पदाधिकारी को मांग पत्र सौंपा। यह प्रदर्शन झामुमो छात्र संघ की ओर से किया गया। छात्र संघ की अध्यक्ष खुशबू लामा ने बताया कि बीएड एवं पीजी की छात्राओं को स्कॉलरशिप अब तक नहीं दिया गया है, जिसको लेकर हजारों छात्राओं का भविष्य अधर में लटक गया है। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय की गड़बड़ी के कारण छात्राओं को स्कॉलरशिप नहीं मिला है। साथ ही चेतावनी देते हुए इन्होंने कहा कि अगर जल्द ही इन लोगों को कल्याण विभाग की ओर से स्कॉलरशिप नहीं दिया जाता है तो आगे छात्र संघ उग्र आंदोलन करेगी। स्वर्गीय पंडित नोखे मिश्र ट्रस्ट की ओर से 24 जनवरी को पंडित नोखे मिश्र स्मृति समारोह का आयोजन कर वर्तमान सरकार का ध्यान आकृष्ट कराने का कार्य किया जाएगा। इसकी जानकारी एक प्रेस वार्ता के माध्यम से दी गई। स्वर्गीय पंडित नोखे मिश्र के योगदान को याद रखने के उद्देश्य से पिछले 4 वर्षों से ट्रस्ट के द्वारा स्मृति सम्मान समारोह का आयोजन किया जा रहा है। इस संबंध में जानकारी देते हुए ट्रस्ट के संरक्षक ने बताया कि सरायकेला का हिस्सा उड़ीसा में और पूर्वी सिंहभूम का हिस्सा बंगाल में अगर आज नहीं है तो वह स्वर्गीय पंडित नोखे मिश्र का देन है। इन्हीं सब बातों पर चर्चा परिचर्चा कार्यक्रम स्मृति समारोह के दौरान किया जाएगा, ताकि सरकार तक ट्रस्ट की बात पहुंच सके और राज्य में अलग दर्जा स्वर्गीय पंडित नोखे मिश्र को मिल सके। बिहार की स्थिति कमजोर पड़ रही थी, उस स्थिति को बदलने में अमल संघ सिद्धगोड़ा में 24 जनवरी को संध्या 6 बजे से स्मृति समारोह का आयोजन किया जा रहा है। यह स्मृति समारोह पंडित नोखे मिश्रा का जो योगदान स्मारित करने के लिए किया जा रहा है, क्योंकि 1955 में जो सिन्हा कमीशन का गठन हुआ था और सरायकेला का क्षेत्र उड़ीसा में और दलमा सहित जमशेदपुर का क्षेत्र बंगाल में जाने का प्रस्ताव था, उसके विरुद्ध जनमत निर्माण करने के लिए कि बिहार में ही हम लोग रहेंगे, जिम्मेवारी तत्कालीन मुख्यमंत्री श्री कृष्ण सिंह और केवी सहाय जो उद्योग मंत्री थे उनके द्वारा पंडित नोखे मिश्र को दिया गया था। चूंकि उनकी संगठनात्मक शक्ति से वे परिचित थे, जिन्हें पंडित मदन मोहन मालवीय के साथ काम करने का अनुभव प्राप्त था और उन्होंने बिहार क्रांति मोर्चा का गठन कर उसके नेतृत्व में जो आंदोलन खड़ा किया और लोगों को समझाया, उसका परिणाम था कि यह क्षेत्र संयुक्त बिहार में रहा और झारखंड के नक्शे का आज हिस्सा है। मगर उस कांड की तो, गोलीकांड की तो हिस्सा होती है, सरायकेला कांड की चर्चा होती है, मगर उसके नायक पंडित नोखे मिश्रा को कहीं भुला दिया गया है। जमशेदपुर में आगामी दिनों में 29वां एशियाई जोशित सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। बिष्टपुर राम मंदिर प्रांगण में इसका आयोजन होगा, जिसमें देश भर के 225 से अधिक ज्योतिष शास्त्री मौजूद रहेंगे। इसकी जानकारी आयोजकों के द्वारा एक वार्ता के दौरान दी गई। पहली बार जमशेदपुर इकाई के द्वारा इसका आयोजन किया जा रहा है, जहां देश भर के ज्योतिष शास्त्री जमशेदपुर पहुंचेंगे। मुख्य रूप से विज्ञान के आधार पर ज्योतिष विद्या, जिसको आज न्यायालय के द्वारा भी मान्यता दिया गया है, इस विद्या के प्रति लोगों के भीतर जागरूकता लाने और इस विद्या को वापस इसके स्थान पर स्थापित करने हेतु इस सम्मेलन का आयोजन किया जाएगा, जहां लोग निशुल्क ज्योतिष परामर्श का भी लाभ उठा सकेंगे। 31 जनवरी से शुरू होकर ये सम्मेलन 2 फरवरी तक लगातार चलेगी। 31 जनवरी से शुरू करके 2 फरवरी तक विष्णुपुर राम मंदिर में
सेंटर ऑफ एस्ट्रोलॉजिकल स्टडी एंड रिसर्च फॉर पब्लिक वेलफेयर की तरफ से 29वां एशियाई ज्योतिष सम्मेलन का आयोजन किया जा रहा है। इस सम्मेलन को और 5 ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है। इसका मुख्य उद्देश्य है ज्योतिष शास्त्र की प्रतिष्ठा के साथ साथ शास्त्र को पुराना गरिमा में वापस लाना और वह जो एक विज्ञान है जो आज हाईकोर्ट भी माना है उसको पुनः प्रतिष्ठा करना, जिसके कारण 31 तारीख को शाम को 5 बजे से 9:30 प्रोग्राम शुरू होगा। उसके बाद शाम को 5 बजे से 9 बजे तक इसरो के वैज्ञानिक डॉक्टर ओम प्रकाश पांडे, ज्योतिष और खगोल विज्ञान, ये दोनों को मिला करके एक उनका लेक्चर रहेगा। साधारण जनता का हेल्प के लिए दूसरे दिन मतलब 1 तारीख को सुबह 9:30 प्रोग्राम शुरू होगा। 5 बजे हम लोग का प्रोग्राम जब ख़त्म होगा 5 बजे से रात को 9 बजे तक निःशुल्क ज्योतिष परामर्श शिविर का आयोजन किया जा रहा है। हमारे साथ लगातार जुड़े रहने के लिए आप हमें YouTube पर जरूर सब्सक्राइब करें। अगर आपके पास कोई सूचना या समाचार हो या फिर आप हमारे न्यूज चैनल में विज्ञापन देना चाह रहे हो तो हमारे स्क्रीन पर चल रहे इस नंबर पर हमारे साथ जरूर संपर्क करें। आज के लिए बस इतना ही, कल आपसे फिर मिलेंगे कुछ नई खबरों के साथ। तब तक के लिए AMG न्यूज की पूरी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार।